मेरा नाम मुशर्रफ आलम है। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ से मैंने पीएचडी की है। आज ही मेरा वाइवा था और आज ही मैंने अपने पीएचडी टॉपिक को डिफेंड किया है और आज मुझे डॉक्टरेट से नवाज़ा गया है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और मैं इस दिन आप के साथ मैं अपने पीएचडी के एक्सपीरियंस और क्या मेरी फाइंडिंग रही पीएचडी में वो शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी पीएचडी की जो टॉपिक है वो है डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इराक। ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के डिस्कोर्स को हमने वहाँ पे देखने की कोशिश की है कि इराक में असल बात देखा जाए ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को, तो ये एक तरह से बहुत अहम थीम है स्टडी करने के लिए, क्योंकि इराक पे जो 2003 पे यूनाइटेड स्टेट और कॉलिशन फोर्सेस के ज़रिए जो हमला किया गया उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इराक के जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट थी, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट, बाथ पार्टी की गवर्नमेंट, वो वहाँ के लोगों की जो हुकूक़ इंसानी थी उसको पूरी तरह से पामाल किए हुआ था। तो ये यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि वहाँ के लोगों के हुकूक़ को बहाल करने के लिए और वहाँ के लोगों को एक तरह से ऐसे रूलर से आज़ादी दिलाने के लिए वहाँ पे अटैक करने की ज़रूरत है और उस हुकूमत को हटाने की ज़रूरत है और उसे हटा करके एक नई तरह की गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इस वजह से वहाँ पर अटैक किया गया। तो मेन दो काउज है, जो एक है ह्यूमन राइट और दूसरा है डेमोक्रेसी। इन दोनों वजूहात की वजह से वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के कॉलिशन फोर्सेस के द्वारा हमला किया गया। अगर उससे पहले देखा जाए तो जो 9/11 का अटैक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे हुआ था और उस अटैक को इस तरह से देखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस और सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा चैलेंज है और उस पीस एंड सिक्योरिटी को वो बहुत बड़ा थ्रेट है और इस थ्रेट के लिए ज़िम्मेदार इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको माना गया। और इसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहले जो है अफ़गानिस्तान पे हमला किया और अफ़गानिस्तान को ये माना कि अफ़गानिस्तान में जो है टेररिस्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और वो एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखे जाएँ तो वो एक पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनते चला जा रहा है। और उसके बाद दूसरा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टारगेट था वो इराक था, क्योंकि इराक में एक सद्दाम हुसैन की जो मजबूत गवर्नमेंट थी और ख़ास करके सद्दाम हुसैन वो उस वक्त का एक वाहिद शख्स था जो अरब काउज की बात करता था और अरब यूनिटी की बात करता था और कहीं ना कहीं वो इसराइल के भी अगेंस्ट था और जो उसकी ताकत जिस तरह से बढ़ रही थी उससे वहाँ पर के जितने भी नेबरिंग स्टेट थे वो भी एक तरह से सद्दाम से खौफ महसूस कर रहे थे। इसलिए वो सारे नेबरिंग स्टेट भी चाह रहे थे कि इराक को किसी तरह से कमज़ोर किया जाए और इसराइल भी चाह रहा था कि इराक कमज़ोर है और इस वजह से आप देखेंगे तो ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहाँ पर अटैक करता है। और वहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अटैक करता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी बहुत गुड इंटेंशन थी कि वो वहाँ पे उस मुल्क में जो है वो डेमोक्रेसी लाना है, बल्कि ये जो पड़ोसी स्टेट थे उसमें बहुत सारे उसके फ्रेंडली स्टेट थे तो अपने फ्रेंड स्टेट्स को एक तरह से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए उसने अटैक किया। दूसरे है कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो ऑयल के रिसोर्स हैं उस रिसोर्स तक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की एक्सेस नहीं थी और एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में वो इजीली वहाँ की जो तेल थी इराक की वो अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो अगर इस तरह से मजबूत सरकार जो थी सद्दाम हुसैन की अगर उसको हटा दिया जाए और फिर एक लिबरल डेमोक्रेसी लाया जाए तो फिर मार्केट भी वहाँ की ओपन हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोगों के लिए और वहाँ के जो रिसोर्स है ख़ास करके जो तेल है वो सभी के एक्सेस में हो जाएगा। तो ये सारी वजूहात थी जो वजह बनी
वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ज़रिए अटैक करने का, और पूरे दुनिया में ये दिखाया गया कि इराक़ जो है पूरे दुनिया के लिए एक ख़तरा है, और पूरे दुनिया के हुकूक़ इंसानी के लिए और पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, और इसलिए वहाँ पे हमला करना ज़रूरी है। हालांकि यूनाइटेड नेशन इस हमले के ख़िलाफ़ था, उसके ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट ने यूनाइटेड नेशन के बिना परमिशन के कॉलिशन फोर्सेस के साथ वहाँ हमला करती है, और हमला के पीछे वो रीज़न वही दो बताया जाता है कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, यानी हुकूक इंसानी और जमहूरियत, कि वहाँ पे के लोगों की हुकूक इंसानी पामाल की जा रही है, और दूसरी वहाँ पे जमहूरियत बहाल करना है, इसलिए वहाँ पे हमला किया गया। तो ये दोनों टॉपिक पे मैंने स्टडी किया है। मैंने पहले एमफिल में मैंने इराक में जो 2003 के बाद जो बदलाव आया और उसमें किस तरह से वहाँ की ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो रही है उसको हमने देखा, मैंने अपने एमफिल के टॉपिक में और एमफिल के स्टडी में हमने उसको स्टडी किया, जो हमारा टॉपिक था सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पोस्ट सद्दाम इराक। तो हमने उस स्टडी में पाया कि वहाँ पे 2003 के बाद ह्यूमन राइट्स का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब हो गया, अगर कंपेयर किया जाए सद्दाम हुसैन के वक्त से और उसके बाद 2003 के बाद से, तो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स का सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, बहुत पैथेटिक कंडीशन हो गया, और वहाँ पे ख़ास करके देश के अंदर जो पीस और सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से पामाल हो गई। और ये जो जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो हमला किया था वो सही साबित नहीं होता हुआ नज़र आ रहा था। तो उसी स्टडी के दौरान मेरे जहन में ये आया कि मैंने तो वहाँ की ह्यूमन राइट्स को मैंने देख लिया अपने एमफिल के स्टडी में, तो फर्दर मैं अब वहाँ की डेमोक्रेसी को देखूँ कि 2003 के बाद जब एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को हटा करके वहाँ पर अगर डेमोक्रेसी लाई गई लिबरल डेमोक्रेसी, तो उस लिबरल डेमोक्रेसी के बाद वहाँ पर किस तरह के डेमोक्रेटिक बदलाव, यानी जमहूरियत किस तरह से वहाँ कामयाब हो रही है, उसके बारे में मैंने स्टडी करने की कोशिश की। अपने उस जमहूरियत के साथ साथ ह्यूमन राइट्स को भी रखा, और ह्यूमन राइट्स में पार्टिकुलरली हमने अपने आप को कन्फाइन किया, ख़ास करके जो पॉलिटिकल राइट है वो एक जमहूरी निज़ाम में जो जमहूरियत के अंदर जो हुकूक मिलते हैं, ख़ास करके राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये सारी चीज़ों को हमने देखने की कोशिश की। और फिर हमने ये भी उसमें देखने की कोशिश की क्योंकि ये कि ये इस्लाम के साथ डेमोक्रेसी किस तरह से सही है या नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इराक अगर ओटमन पीरियड में देखा जाए तो वो एक इस्लामिक कंट्री थी, फिर ओटमन के बाद वहाँ पे देखते हैं कि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट आता है, और उसके बाद फिर मिलिट्री कू होती है, और फिर फर्दर आप देखते हैं कि 1979 में सद्दाम हुसैन फिर पावर में आते हैं और एक बाथ पार्टी की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है, और वहाँ पे दूसरी पार्टी को कोई स्पेस नहीं मिलता है। लेकिन बाथ पार्टी जो है वो एक सोशलिज़म में यकीन रखती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने इस्लाम और इस्लामिक लॉ और शरिया को साथ साथ रखा, और दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि शरिया और शरिया लॉ को पूरी तरह से वहाँ ख़त्म कर दिया गया, जबकि बाथ पार्टी को अरब रीजन में बहुत ही प्रोग्रेसिव पार्टी माना जाता है, लेकिन फिर भी वो उस इस्लाम और शरिया लॉ को साथ रखा। तो जब ये एक न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट इराक जब 2003 के बाद बनती है, तो उसके भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी शरिया लॉ को अहमियत दी गई, कहा गया कि इस्लाम जो है इसे स्टेट का रिलीजन है, और कुरान और सुन्ना जो है वहाँ के लॉ के लिए सोर्स होगा। तो एक
पहले बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर जो है का मानना है कि इस्लाम और डेमोक्रेसी का कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जो है अल्लाह को सबसे आगे रखा जाता है और अल्लाह को कानून को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो है इंसान के कानून को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो इंसान लोग मिल करके बनाते हैं, और वहाँ पर अगर सॉवरेंटी ऑफ गॉड नहीं प्रायोरिटी नहीं होती है बल्कि सॉवरेंटी ऑफ पीपल ज़्यादा प्रायोरिटी में होती है। तो इस वजह से लोग उसकी मुखालफत कहते थे और करते थे कि कहीं से भी ये इस्लाम और डेमोक्रेसी का कहीं भी तालमेल नहीं होगा। इसमें बड़े बड़े स्कॉलर जो है इसके ख़िलाफ़ रहे। अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो मौलाना मौदूदी साहब भी इसके ख़िलाफ़ थे, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे, और वो जमहूरियत को कभी वो इस्लाम के साथ नहीं माना और कहा कि जमहूरियत इस्लामी हुकूमत में बेहतर नहीं हो सकती है बल्कि इस्लामी हुकूमत के लिए खिलाफत ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन तो इसमें मैंने अपने स्टडी में हमने ये भी देखने की कोशिश की कि इस्लाम और जमहूरियत में क्या किस तरह का टकराव है, या इस्लाम और जमहूरी निज़ाम एक साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता है। दूसरी चीज़ जो आज के वक्त में जो ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, हुकूक़ इंसानी की बात की जा रही है, क्या उसका इस्लाम से कनेक्शन है या नहीं है, ये भी मैंने देखने की कोशिश की। तो इसमें हमने देखा कि इस्लाम के अंदर अगर देखा जाए तो जमहूरी निज़ाम के बहुत सारे स्पेस हैं जो हम देखते हैं, इजमा है, इत्तेहाद है और शूरा का कंसेप्ट है जो सभी लोग मिलजुल करके एक डिसीज़न लेने का जो प्रैक्टिस है इस्लामिक कल्चर में, वो कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, और वो सारा जो इजमा और इत्तेहाद और शूरा का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अगर देखेंगे तो जमहूरियत निज़ाम के साथ साथ है, उसके मुखालिफ नहीं है। तो इस्लाम में अगर बात की जाए तो जमहूरी निज़ाम का स्पेस है और जमहूरियत के साथ इस्लाम चल सकता है, और जैसा कि देखा गया कि इराक में जब 2003 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम को स्पेस दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि दोनों इस्लाम और जमहूरी निज़ाम और जमहूरियत में टकराव होगा, क्योंकि जमहूरियत में ये बात की जाती है कि रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ कुरान और सुन्ना के हिसाब से अगर ड्राइव किया जाए और वो उसके बहुत ज़्यादा मुखालिफ नहीं हो, तो एक तरह से हम कहेंगे कि जमहूरी निज़ाम में इस्लाम के साथ कोई टकराव नहीं होगा और वो बहुत अच्छे से जमहूरी निज़ाम चल सकता है। इसलिए इस्लाम और जमहूरियत में बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो तालमेल है और टकराव नहीं है। और उसी तरह से अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, हुकूक इंसानी की बात की जाए, तो अगर इस्लाम की टीचिंग देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से हुकूक इंसानी पे फोकस की गई है। अगर हम देखेंगे तो कुरान भी इस मामले में कहता है कि अगर कोई बेकसूर एक आदमी का अगर खून किया जाए तो वो पूरी इंसानियत का खून है। तो इस तरह से अगर देखिए तो एक इंसान के लाइफ को कितनी अहमियत दी जाती है, और बिना किसी मतलब के अगर देखा जाए तो इंसान को कत्ल करना इस्लाम में मना किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो चैरिटी का सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि सोसाइटी में जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए चैरिटी का सिस्टम इस्लाम में है, वो ज़कात है, सदकात है, ये सारे सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के नज़रिए से देखा जाए तो अगर लोगों की जो इकोनॉमिक राइट है और एक इकोनॉमिक इक्वालिटी और इक्विटी की अगर बात की जाए तो उसका भी स्पेस हमें दिखता है इस्लाम के अंदर। तो इस्लाम और ह्यूमन राइट्स का कनेक्शन बहुत बेहतर है। अगर हम बात करें मदीना चार्टर की, तो मदीना चार्टर में जब जिहाद के बारे में बताया गया तो उसमें ये कहा गया कि अगर हम इस्लामी फ़ौज कहीं जाती है जिहाद करने के लिए तो वहाँ के बच्चों को, वहाँ के औरतों को और वहाँ के फसल को बर्बाद नहीं किया जाए, तो वहाँ से भी हमें दिखता है कि इस्लाम
में एक हुकूक इंसानी की बात की जाती है, और कहीं दूसरी जगह अगर फौज जब जाती है इस्लामिक फौज, तो वहाँ पे इस उस वक्त जिहाद में ये कहा गया था कि जब तक कोई इंसान आपके मुखालिफ आकर के तलवार नहीं उठाता हो, उससे जंग करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो इस्लाम ये पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स की बात करता है, और अगर आप आज के वक्त में जो इस्लाम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों के खून खराबे किए जा रहे हैं और लोगों की ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया जा रहा है इस्लाम के नाम पर, इस्लाम ने कभी इसको प्रमोट नहीं किया है, बल्कि हमेशा इस्लाम जो है हुकूक इंसानी को डिफेंड करने की कोशिश की है। तो इसमें हमने देखा कि इस्लाम और ह्यूमन राइट्स में किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। और फर्दर हम अगर बात करें जमहूरी निज़ाम की बात करें, अगर इराक में 2003 के बाद, तो 2003 के बाद जो जमहूरी निज़ाम आया उसमें देखते हैं कि लोग जो है वहाँ के जमहूरी निज़ाम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया और वहाँ के जमहूरियत को अपनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप जो हैं उस जमहूरी निज़ाम से नाखुश भी नज़र आते हैं और वो उससे अलग दिखते हैं और एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आईएसआईएस का नाम आता है कि वो एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह जो है वो 2003 में कॉलिशन फोर्सेस के अटैक के बाद जो एक डिबातिफिकेशन का प्रोसेस अपनाया गया, जिसमें बात पार्टी से एसोसिएटेड जितने लोग थे उनको पूरी तरह से हुकूमत से, गवर्नमेंट की नौकरी से और सभी जगह से बाहर किया गया, और ख़ास करके जितने भी गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश थे और गवर्नेंस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर थी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और उसमें उन लोगों को बाहर कर दिया गया। अब उनके लिए ना ही पॉलिटिकल स्पेस थी और सोसाइटी में भी उनके लिए स्पेस कम होता हुआ नज़र आ रहा था, और ख़ास करके वो उसमें ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे सेक्ट के बिहाब पे तो सुन्नी सेक्ट के लोग ज़्यादा थे, कि सद्दाम हुसैन के टाइम में सुन्नी पावर में थे और सुन्नी सेक्ट ज़्यादा एक्टिव थे गवर्नेंस में, और दूसरी तरफ जो है शिया आबादी वहाँ पे 65% है जो पूरी तरह से हुकूमत से बाहर थी। तो ख़ास करके ये मेजोरिटी जो शिया हैं, दूसरी तरफ आप कहेंगे कुर्द हैं और दूसरे कम्यूनिटी हैं, उन लोगों ने ये इस डेमोक्रेसी को बहुत पॉजिटिवली लिया, लेकिन सुन्नी जिनके हाथ से हुकूमत छिन गई, जिनके यहाँ से नौकरी चली गई और वो एक तरह से उनकी सोसाइटी में उनके लिए स्पेस कम हो गया, तो उन्होंने इस को पॉजिटिवली नहीं लिया और ये इसके खिलाफ चले गए, और वही एक वजह बनती है जो धीरे धीरे आप देखते हैं कि वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप इमर्ज होते हैं। एक तरफ सुन्नी के इंसर्जेंट ग्रुप है तो दूसरे तरफ सिया के इंसर्जेंट ग्रुप है, वहाँ पे सदरिस जो है मुक्तदा अल सदर उनकी पार्टी, उन्होंने अपनी एक ग्रुप आम ग्रुप तैयार कर ली और उनके बीच में टकराव देखने को मिला, और उसका नतीजा वो दिखता है कि आईएसआईएस इमर्ज करती है पार्टिकुलर इराक के इसमें कंसेप्ट में देखेंगे तो। लेकिन फिर दोबारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हेल्प से उसको ख़त्म किया जाता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस वो कंटिन्यू चलती रहती है, हर 4 साल पे इलेक्शन होता है और नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो डेमोक्रेसी इराक में है वो कंटिन्यू एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो दिख रहा है कि इलेक्शन होता है, नई सरकार बन रही है, लेकिन जो असल मानों में जो डेमोक्रेसी की बात की जाती है कि उसकी सोसाइटी में डेमोक्रेसी हो, वहाँ के लोग डेमोक्रेसी में यकीन करें और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप हो, तो उस तरह से वो डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। और जहाँ तक कि अगर बात की जाए ह्यूमन राइट्स की और जो बेसिक नीड्स है लोगों की, वो सारी जो है इस हुकूमत के ज़रिए पूरी नहीं हो रही है, और जिस तरह से एक हम डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर लोगों के हकूक की बात करते हैं और एक स्मूथली डेमोक्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं, वो चीज़ इराक में नहीं दिखता है। और यही वजह है कि 2011 से लगातार
लोग प्रोटेस्ट करते रहे गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो प्रोटेस्ट उठता है, फिर गवर्नमेंट अपनी ताकत से उसको दबा देती है। लेकिन 2019 के अक्टूबर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो इराक की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो पहली बार इस तरह का प्रोटेस्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इराक के हर इलाके में प्रोटेस्ट हुआ। ख़ास करके अगर हम बगदाद की तहरीर स्क्वायर की बात करें तो वहाँ पे इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुआ कि वो गवर्नमेंट जब अपने पावर का उस पर इस्तेमाल किया और फोर्सेस का इस्तेमाल किया तो वहाँ वो प्रोटेस्ट जो है एक गवर्नमेंट के फोर्सेस और कॉमन पीपल के बीच में एक टकराव का रूप ले लेता है, और वो टकराव चलता रहता है, और ये इतना असरअंदाज होता है ये प्रोटेस्ट कि जिसके वजह से उस वक्त इस्तीफा देना पड़ता है, और वो इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर अलकाजिम वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो अभी प्रेजेंट में भी प्राइम मिनिस्टर हैं। और उस प्रोटेस्ट में लोग डिमांड कर रहे थे वहाँ की बेसिक एमिनिटीज़ की, जो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा था लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अप्रोक्स 46% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ख़ास करके यूथ जो वहाँ के पढ़े लिखे यूथ थे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा अपने सरकार से खफा थे, और वो उससे अपने यानी गुस्सा का मुजाहरा वो प्रोटेस्ट के ज़रिए कर रहे थे, और उनका डिमांड था कि ये गवर्नमेंट चेंज हो, ये रूलिंग पार्टी चेंज हो, और ख़ास करके वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें भी बदलाव किया जाए, और जो बाहर के फोर्सेस हमारे मुल्क में हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर भेजा जाए। तो इस प्रोटेस्ट का असर हमने देखा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है इस्तीफा भी देते हैं, और फिर नए प्राइम मिनिस्टर फर्दर वो अपने ओथ के बाद सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस जो है इराक में उसको जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। तो ये असल डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे तो इस 2019 के बाद शुरू होता है डेमोक्रेसी का, की शुरुआत होती है इराक में। अगर इसी तरह से कंटिन्यू पब्लिक प्रोटेस्ट और मास मोमेंट होता रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2003 में जो एक डेमोक्रेसी लाने की जो कोशिश की गई थी इराक में वो कामयाबी की तरफ जाएगी। लेकिन कभी भी ये किसी दूसरे मुल्क के ज़रिए किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला में दखलंदाजी कर करके और वहाँ के सरकार को हटा करके एक डेमोक्रेसी लाना ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं कभी इसको डिफेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि असल डेमोक्रेसी तभी आ सकती है जब वहाँ की पब्लिक चाहेगी, और पब्लिक मूवमेंट के थ्रू अगर जो डेमोक्रेसी आएगी वो उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत लॉन्ग हो सकती है और बहुत लंबे वक्त तक रह सकती है। अगर किसी दूसरे के ज़रिए इम्पोज की गई डेमोक्रेसी वो सर्वाइव नहीं कर सकती है, जो हम देख रहे हैं कि 2003 से अब तक के इराक में वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी है बिकॉज ऑफ इन्वेजन, बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन्वेडेड इराक एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट डेमोक्रेसी देयर। तो वहाँ के लोग असल में वहाँ के लोग उस वक्त डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे थे और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन 2019 के जो अक्टूबर में जो रिवोल्यूशन शुरू हुआ है जिसे अक्टूबर रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर रिवोल्यूशन जो है इराक में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट डेवलप करेगा जिससे स्टेट और स्टेट की फंक्शन भी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगी और वहाँ की सोसाइटी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ मूव करेगी।